हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के बारे में फुल जानकारी। यह एग्ज़ाम ऑनलाइन ली जा रही है समर 2022 के लिए, जहाँ पर स्टूडेंट या कैंडिडेट डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ISTSE.org, जिस पर आप जाकर इसके पूरे डिटेल्स जान सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। इसके कुछ टॉपर्स जो रहे हैं पिछले साल 2021 में समर एग्ज़ाम के जो टॉपर्स रहे हैं उनके कुछ वीडियो बताऊंगी। अवार्ड क्या मिलता है इस एग्ज़ाम को देने पर, एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहते हैं, एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्या होती है, अर्थात कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका सिलेबस क्या रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें निगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, और इस एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्टर कैसे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट ISTSE.org को क्लिक करते हैं। हमने ये लिंक खोल रखा है, तो चलिए इस पर हम ध्यान से देखते हैं। स्टेप बाई स्टेप हम देखेंगे। इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम एक प्रकार का ओलंपियाड एग्ज़ाम होता है, जो इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म है। यह एग्ज़ाम स्कूल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च भारतीय स्कूलों के इंटरनेशनल लेवल की एक एग्ज़ाम होती है, जिसमें बच्चों की प्रतिभाओं की खोज की जाती है, जिसके द्वारा व्यक्तिगत छात्रों की इंडिविजुअल आधार पर बच्चों को जानने के लिए इस प्रकार का एग्ज़ाम कराया जाता है। व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से आप अपने आप को या पेरेंट्स अपने बच्चों को जान पाएंगे कि उनके अंदर एजुकेशनल क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। वैज्ञानिक रूप से इस एग्ज़ाम को डिजाइन किया गया है, जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन कर उनकी परीक्षा ली जाती है। अब हम जानेंगे कि यह एग्ज़ाम ISTSE ऑनलाइन समर 2022, जहां पर आप ओपन फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, यानी डायरेक्ट आप यहां पर इस एग्ज़ाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हमें यह जानना है कि इसको पार्टिसिपेट करने के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके लिए मैं बता दूं, यहां पर क्लियर वे में लिखा गया है कि अभी का माहौल को देखते हुए स्कूल जो है अभी भी पूरे 100% तक सभी जगह पर नहीं खुला है, तो इसीलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की फैसिलिटी यह वेबसाइट हमें देती है कि घर बैठकर आप अपने बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा सकते हैं। और इसके लिए आपके पास घर पर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट के साथ वेबकैम एंड लाइव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फिर आप ऑनलाइन अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिला सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके एग्ज़ाम ISTSE ऑनलाइन समर 2022 फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट्स लिखा गया है। फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक के बच्चों की एग्ज़ाम 22 मई को कंडक्ट की जाएगी, और क्लास 6 से 10 मई तक के बच्चों को 2022 यानी 15 मई को कंडक्ट की जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले से हो रही है और अभी भी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए। अब नीचे हम आएंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो है इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम ISTSE, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये इंटरनेशनल लेवल के टैलेंट सर्च के लिए ये एग्ज़ाम कराई जाती है पूरे भारतीय भारत में, यानी पूरे इंडिया में इसकी एग्ज़ाम कराई जाती है, और इसके द्वारा बच्चों के एजुकेशनल कौशल को मूल्यांकन किया जाता है। ISTSE एक साइंटिफिक तरह का एक डिजाइन किया हुआ स्किल बेस्ड असाइनमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो देखिए क्लास फर्स्ट से टेंथ क्लास के बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा उनका बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है। यह आकलन करने के लिए किस आधार पर किया जाता है, तो देखिए क्लास फर्स्ट टू टेंथ क्वेश्चन पेपर विल बिकम प्राइजिंग क्वेश्चन फॉर मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। इन तीन, मेंटल, लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, इसके आधार पर
सॉरी इनका एग्जाम किया जाता है। छात्रों के स्कूली सिलेबस जो होते हैं उसी आधार पर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम जानेंगे 30 मिनट वीडियो इंटरव्यू वर्थ 100 पॉइंट्स विल बी हेल्ड फॉर टॉप 10 स्कोर डिटरमाइन ऑफ 10 रैंक। शीर्ष 10 अंकों का निर्धारण जो है करने के लिए शीर्ष 10 स्क्रीन के लिए 100 अंकों का निर्धारण 30 मिनट का वीडियो इंटरव्यू द्वारा आयोजित किया जाता है और इस आधार पर लास्ट 10 रैंकों का निर्धारण किया जाता है। अब इस एग्जाम को किस प्रकार आप दे सकते हैं, तो देखिए पार्टिसिपेट्स करने के लिए स्टूडेंट्स जो है दो तरीके से इसमें पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्कूल के थ्रू और इंडिविजुअली भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे, देखिए आईएसटी ऑनलाइन समर 2021 में इतने स्कूल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इतनी सिटीज जुड़ी हुई है, 905 सिटीज इससे जुड़ी हुई है, 34 स्टेट प्लस यूटी एंड 16 कंट्री जुड़ी हुई है और 99.5% सेटिस्फैक्शन रेट है इस साइट का। अब आगे हम देखते हैं कुछ, देखिए जिन बच्चों ने पिछले साल एग्जाम दिया था उनके कुछ व्यू आ रहे हैं, ये सारे बच्चे टॉपर्स रहे हैं पिछले साल के। अब हम जानेंगे हाउ टू वर्क फॉर डायरेक्ट एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट, तो किस प्रकार ये किया जाता है। रजिस्ट्रेशन हम जानेंगे, तो इंडिविजुअल या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं क्लास फर्स्ट से 10 तक के लिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं या पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट कराने के साथ ही जैसे ही आप एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए इस यहाँ पर सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है और साथ ही बच्चे जैसे ही रजिस्टर्ड होते हैं उनको 3 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है इस साइट के द्वारा, जिसके आधार पर बच्चे तैयारी कर सकते हैं और लास्ट फाइनल टेस्ट लिया जाता है। तो पहले भी अभी मैंने आपको बताया क्लास फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए 22 मई को एग्जाम होगी और 6 से 10 क्लास के बच्चों की 15 मई 2022 को एग्जाम होगा। और लास्ट मैंने बताया था रिजल्ट आने के बाद लास्ट 30 मिनट वीडियो इंटरव्यू किया जाएगा 100 अंकों का और उसके आधार पर फिर कंक्लूजन रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। अब हम ये जानेंगे इसके बेनिफिट क्या हैं, पार्टिसिपेट्स बेनिफिट्स। इस एग्जाम को देने पर आप यह जान पाएंगे कि आपका एजुकेशनल लेवल क्या है और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आधार पर आप अपने एजुकेशनल लेवल को जान सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें सिलेबस देखेंगे, आईएसटीएसई एग्जाम बेस्ड ऑन सिलेबस, सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड, इन तीनों बोर्ड को ध्यान में रखकर सिलेबस बनाया गया है। इससे एक फ़ायदा यह भी होता है कि बच्चे जो है इस एग्जाम को देने के लिए स्कूल के सिलेबस से पहले ही जो स्कूल की तैयारी की जाती है बच्चों की, उससे पहले वह खुद अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अवार्ड क्या मिलेगा इस एग्जाम को देने के बाद, आपको क्या अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो अवार्ड को हम जानते हैं कि क्या अवार्ड मिलेगा इससे जाने के लिए। पहला ये दिया हुआ है, देखिए रिकॉग्नाइज बेस्ट पार्टिसिपेट्स 95% या उससे अबव अगर मार्क्स आपको मिलते हैं तो उस बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। जिन बच्चों को 90 से 94% तक मार्क्स आते हैं उनको सिल्वर मेडल और पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट। फिर 80% से 89% तक के परफॉर्मेंस वाले कैंडिडेट को ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट 60 से 79% तक के पार्टिसिपेट्स करने वाले बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और 60 से नीचे जिनका परसेंटेज रहेगा उनको भी एक डिजिटल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब हम जानेंगे कि स्कॉलरशिप क्या मिलेगा, तो टॉप 3 स्टूडेंट को जो कि इंटरनेशनल लेवल के आधार पर 3 रैंक निकाली जाएगी उसमें 3 स्कॉलरशिप मिले जाएंगे। रैंक 1 वाले को स्कॉलरशिप के साथ 1500 रुपया पर मंथ 12 महीने के लिए दिया जाएगा और साथ में टॉपर सील्ड दी जाएगी।
फिर इंटरनेशनल रैंक टू जिनकी पोजीशन आएगी उनको स्कॉलरशिप 1000 रुपये मंथली 12 मंथ के लिए और फर्स्ट रनर अप शील्ड दी जाएगी। एंड इंटरनेशनल रैंक थ्री जिनका रहेगा उनको स्कॉलरशिप 500 मंथली मिलेगी 12 मंथ के लिए और सेकंड रनअप शील्ड दिया जाएगा। और इस प्रकार ये क्राइटेरिया रहेगा आपका। अब हम आगे जानते हैं कि आप सिलेबस इसके क्या क्या रहेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया, और पेपर किस प्रकार का रहेगा ये भी अभी हम देखेंगे, तो आप वेट कीजिए 2 मिनट में ये अपना ओपन हो जा रहा है हमारा साइट। और रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट इंडिविजुअल या स्कूल के थ्रू यहाँ पर आप रजिस्टर हो सकते हैं। सिलेबस जो है आपका इंग्लिश मैथ साइंस देखिए ये सब्जेक्ट है। अब हम जानेंगे एग्जाम जो है इट इज ए सिंगल क्वेश्चन पेपर एग्जाम कंप्राइज द मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स साइंस एंड इंग्लिश। इस आधार पर एक सिंगल क्वेश्चन पेपर रहेगा और जिसमें मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स साइंस एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स रहेंगे और सब्जेक्ट्स आपके स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे जो अभी अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो और स्टेट बोर्ड हो, इन तीनों बोर्ड को ध्यान में रखते हुए इसके सिलेबस रहेंगे। और सिलेबस में जो है एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, एक ही क्वेश्चन में MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें एक चीज आपको ये भी मैं बता दूं, 60 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन जो है 60 मिनट्स के रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट के लिए, क्लास से 4th तक के बच्चों के लिए 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 5th से 10th क्लास के बच्चों के लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और सिलेबस आपको मैंने बता ही दिया है। निगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात है तो कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस को ऐसे टिक नहीं करना है। एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी क्लास फर्स्ट से 28 मार्च तक एग्जाम प्रिपेयर डेट्स रहेगी और एग्जामिनेशन फीस 200 रुपये यहाँ पर रहेगी। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन फी सीट अवेलेबल है अभी भी यहाँ पर स्कूल के थ्रू या डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लिंक रजिस्टर कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए रजिस्टर करने की प्रोसेस, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं रजिस्टर पर तो हमारे सामने एक जनरल फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें कि जनरल इंफॉर्मेशन रहती है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, स्कूल इंफॉर्मेशन, मोबाइल, स्टेट, सिटी, इन सब के बारे में आपको फिलअप करना पड़ता है। जैसे आप न्यू यूजर पर रजिस्टर है यहाँ पर करेंगे तो आपका यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए ये फॉर्म है, स्टूडेंट्स नेम, ईमेल एड्रेस, पेरेंट्स नेम, होम एड्रेस, ये जनरल इंफॉर्मेशन की मांगी जाती है और इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। इसकी फीस जो है अभी अभी मैंने आपको बता दी है, एक मिनट यहाँ पर फीस बताई जा रही है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके नेट के स्पीड जो है 512 KBPS होनी चाहिए, तो अभी भी देर नहीं हुई है। जो भी कैंडिडेट या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इसका एग्जाम दिलाना चाहते हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि आप जरूर अपने बच्चों को एग्जाम दिलाइए जिससे कि बच्चे अपनी प्रतिभा को, एजुकेशनल स्ट्रेंथ को जान पाए और किस चीज़ की उसमें कमी रह गई है उसकी अच्छे से तैयारी करके उसको आगे सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और भी किसी, मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी जानकारी इसमें आपको मैं दे दूं, अगर इनकेस कभी कोई जानकारी छूट गई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं तो मैं उस पर अलग से आपको बता दूंगी। साथ ही न्यू यूजर के लिए अभी जो रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ शो हो रही है 399 है और विथ लेट फी जो है 499 दी गई है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। और अगर आप सिलेबस या क्वेश्चन पेपर और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसकी एक वीडियो मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो थैंक यू।